उपायुक्त किन्नौर हाबिद हुसैन सादिक ने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर संबंधित क्षेत्र के पंचायत व मंदिर समितियों की प्रतिनिधियों की प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि किन्नर कैलाश यात्रा को अगले वर्ष तक के लिए रद्द किया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रा कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन यह यात्रा अव्यवस्थित है। इस यात्रा में न सुरक्षा सहायता, न खाने और न रहने की कोई सुविधा है। ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि एसडीएम कल्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी व्यवस्थाएं अगले वर्ष के लिए बनाएगी। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आज हमारी बैठक हुई थी किन्नर कैलाश यात्रा के लिए, तो सभी प्रधानों और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सुझाव है कि हमें इस साल ये यात्रा कैंसिल करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन और कीपिंग इन माइंड कि बाकी स्टेट में, बाकी जिलों में भी कोई भी यात्रा इस स्केल की नहीं हो रही है। तो हमने अब ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस साल जो है हम ये किन्नर कैलाश की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं, अगले साल तक हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बट इसमें एक चीज़ जो मीटिंग के दौरान मैंने पाया कि ये यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है, बट इसमें कोई भी ये टोटली अनरेगुलेटेड चल रही है, इसमें कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। ये पता ही नहीं है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उनके पास कोई फैसिलिटी ऊपर तक नहीं है, ना नीचे आते टाइम है, ना खाने की, ना पीने की, ना ही रहने की, ना वॉशरूम जाने की, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड, अ कमिटी हैज़ बीन फ्रेम्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसडीएम कल्पा एट रिकॉम्पियो कि हम और उसमें सारे प्रधान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग होंगे, जो कि एक प्रॉपर प्लान अगले साल के लिए बनाएंगे कि हमें ये यात्रा कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। क्योंकि ऐसा हुआ है कि 2019 में एक दिल्ली का एक यात्री जो था वो वहाँ पर कोलैप्स हो गया था, तो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो हमें जो है जगह जगह पर एनरूट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, वॉशरूम्स की व्यवस्था करनी है, और एक प्रॉपर ट्रैक बनाना है जिस पर कि आम बंदा जो है आराम से चल पाए। तो इसके लिए ये कमेटी तुरंत जो है एक रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि अगले साल के लिए ये पूरा, ये जो यात्रा है ये पूरी रेगुलेटेड वे में चले।